Hi friends, we are going to solving this question. You can solve the equation and check the results. सबसे पहले आपके equation के solve करने means y की value find out करनी है. Then उसके बाद देखना है कि आपका y की value जो आपने find out किया है क्या वो right है या wrong है. ठीक है, first of all देखो इससे आप बोल दो ये this is your, कैसे check करोगे right या wrong. इसे मान लो आपका LHS and ये all is your LHS and zero is RHS. ठीक है, मतलब इक्वल के आपके लेफ्ट हैंड के साइड होगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा तो आपका लेफ्ट हैंड, एंड इक्वल के राइट हैंड साइड की ओर होगा देन आपका राइट हैंड साइड. ओके, तो देखो आपका 13 इंटू वाई माइनस 4 माइनस ऑफ 3 इंटू वाई माइनस 9 माइनस ऑफ 5 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. देन इसे सॉल्व करो तो देखो आपका क्या हो रहा है. वाई के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो तो आपका 13 या आपका 13 इंटू वाई मीन्स 13y एंड देन तेरे चुका आपका 65. ओके, तेरे चुका 52 माइनस ऑफ 3y एंड देन 9 का 27. देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस मीन्स 27. ओके, माइनस ऑफ देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस एंड 5 इंटू वाई गिव्स 5y एंड माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 5 का 20. ओके, इक्वल टू 0. देखो सबसे पहले जो वेरिएबल्स है y इज योर वेरिएबल्स एंड इस वैल्यू इज कंस्टेंट. ओके, ये कंस्टेंट है बिकॉज कि इसकी वैल्यू जो था आपका चेंज नहीं हो रहा है. बट इसकी वैल्यू अगर y की वैल्यू 1 रखे हुआ 13 होगा, y की वैल्यू 2 रखा 26 होगा, y की वैल्यू 3 रखा क्या होगा आपका जिसे वो का वो चेंज होता है. ठीक है, देन आपको देखो तो 13 ये आपको माइनस, चलो आपको देखो 13y माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 5y तो इधर क्या होगा माइनस ऑफ 52 उसके बाद प्लस 27 माइनस ऑफ 22 इक्वल टू 0. ओके, तो देखो आपका 13y हो गया और देखो ये माइनस और ये माइनस बोथ आ रहे हैं सेम साइन. अगर सेम साइन होगा तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करोगे, ऐड करोगे और जो भी साइन होगा उसके वहीं साइन लगा दोगे. जिसमें नेगेटिव नेगेटिव लगा देना. देखो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, ऐड करनी है 5 और 3 8 और माइनस हुआ क्योंकि माइनस है तो माइनस 8y. ओके, 8y उसके बाद देखो यहाँ देखो माइनस एंड प्लस है मीन्स बोथ आर इन अपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर दोगे, रिजल्ट में जो आपका बड़ा होगा उस पर जो साइन होगा उसे आप लगा दोगे. ठीक है, तो देखो तो ये आपका बड़ा है तो मतलब ये 2 में से 7 नहीं जाएगा, दाएं लेगा इसे तो 12 में से 7 गया आपका 5 और ये में से कितना 4 में से 2 गया 2. ओके, अगर राइट है कि रॉन्ग है तो आप यहाँ से कर लो, ऐड कर लो 5 7 5 12 एंड 4 1 5. ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि आपका 52 इज ग्रेटर देन 27 और माइनस ऑफ 20. ओके, देखो तो 13y माइनस 13 में से 8 गया, 13 में से आगे कितना हो गया आपका 5y और यहाँ देखो 25 और 20 कितना होता है 45 होता है ना जी, 45 इक्वल टू 0 5y और आपका जो था 45 जो है नेगेटिव में है तो इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा. इक्वल से अगर किसी भी नंबर देखो अगर 0 में इस साइड अगर 0 रहता है और 45 इधर रहता है मतलब किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से क्या होगा मतलब वही नंबर आ जाएंगे, इसलिए मैंने 0 का नहीं लिखा. ठीक है, वाई इक्वल टू 45 इधर आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या डिवाइड होगा तो 9 5 45 मीन्स आपका वाई इक्वल टू 9 हो गया. अब इस चेक करना राइट या रॉन्ग है तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ 13y माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 इंटू वाई माइनस 9 माइनस ऑफ 5 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट द वैल्यू. देखो यह आपका देखो मैं बता दे रहा हूँ कि इसे एक पिन का है. देखो ये आपका टोटल जो है LHS है या आपका RHS है. ठीक है, इक्वल की साइड LHS इक्वल साइड RHS तो आपका अगर आंसर 9 है तो आपको प्रूव करके दिखाना अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया तो आपका जान जाना कि आपका आंसर 9 जो है राइट है मीन सही है. ठीक है, तो देखो 13 और y की वैल्यू कितना है 9 है. ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन. ओके,
आपका वाई का वैल्यू कितना है, 9 माइनस ऑफ 9 प्लस माइनस ऑफ 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, आपका 0। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो देखो तो 9 में से 4 के 5, ठीक है, तो इंटू 5 माइनस ऑफ 9 में, देखो 3 इंटू 9 माइनस 9 के 0, उसके बाद 5 इंटू जोता है 9 4 13, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो 13 बचे, 13 बचे कितना होता है 65, एंड किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 0 होता है, देन आपका क्या होगा 0, और ये 13 बचे 65 माइनस इक्वल टू 0। देखो 0 से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये माइनस एंड ये प्लस, मैंने 65 बोथ आर सेम साइन, बोथ आर अपोजिट साइन, ये प्लस में माइनस है, मीन्स 65 में 65 कैंसिल करोगे कट जाएगा, मतलब 0 आएगा, मीन्स 0 इक्वल टू 0, मीन्स ये आपका क्या है, यह एल एच एस है और यह आपका आर एच एस है। मीन्स अगर आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, मीन्स ये जो है आपका वाई इक्वल टू 9 क्या है, राइट है। ओके प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। ओके थैंक यू।